देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ की जनता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सब ने लूटा है। आज यहाँ की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता दोनों को मौका दिया, बीजेपी को भी दिया मौका, कांग्रेस को भी मौका दिया, दोनों ने केवल लूटा है। तो ऐसे में विकल्प की तलाश में जनता है। मैं यहाँ की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प होगी, और जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से पंजाब में सरकार से लोगों को फायदा हो रहा है, वो यहाँ की जनता को भी होगी। जिस तरह से वहाँ पे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, महिलाओं का सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो, जो फायदे वहाँ हो रहा है वो यहाँ की जनता को मिलेगी। बस यही निवेदन है कि अब बहुत हो गया नेताओं के लिए काम करना, अब अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, रोजगार के अवसर के लिए वोट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आम आदमी पार्टी के साथ। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महावीर सिंह चंदेल, श्रद्धांजलि न्यूज चैनल से संपादक मनी श्रीवास्तव। राजनांदगांव करते हैं, गणपति गणराज जी को याद करके।
से निवेदन करता हूं कि आए और पुष्पहार से आदरणीय प्रभारी जी का स्वागत करें। ताली का जोर होना चाहिए। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ताली वही बजाता है जिसके हाथों में गम होता है, जिसके हाथों में गम होता है, जिसके आप सभी का इसी प्रकार धन्यवाद। सुंदर भाई, आप सभी ने जो अपना बेस्ट कीमती समय आज आम आदमी पार्टी को और हमारे देश के प्रभारी माननीय संजीव झा जी को और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय कोमल ओम पंडित जी के लिए निकाले, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भाई भूपेश तिवारी जी को समय को ध्यान में रखते हुए आप सबके बीच दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं। आप सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भूपेश तिवारी जी का। वंदे 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 दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस आप बदल गए छत्तीसगढ़। दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस आप बदल गए छत्तीसगढ़। दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस आप बदल गए छत्तीसगढ़। आज बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव एवं राजनांदगांव जिला और चारों विधानसभाओं से हमारे जुझारू कर्मठ साथी आए हुए हैं और मंचस्थ सभी परम आदरणीय जनों का सादर अभिनंदन। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी मंत्री श्री परमादरणीय संजीव झा जी को मेरा सादर नमन एवं पूरे जिले की ओर से सादर नमन अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय कोमल हुबंडे जी को पूरे जिले की ओर से सादर अभिनंदन। शीर्षस्थ पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित, मातृशक्ति
आप सभी अलग अलग विधानसभा से आए कार्यकर्ता साथी, जैसा कि अभी कोमल भाई कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से वर्तमान सरकार ने लूट मचाया है, 20 साल से ऊपर हो गया इस छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके मन में यह सपना था कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा तो यहां के कोने कोने में विकास पहुंचेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य तो बना लेकिन लूट का सेंटर बन के रह गया। दिल्ली में बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज बंद हो जाता है तो वो दुआएं देते हैं। अगर हमने बच्चों को पढ़ा तो इंजीनियर डॉक्टर बना दिया गरीब के बच्चों को तो वो मां बाप हमें दुआएं देते हैं। तो जब वो दुआएं देते हैं तो दुआएं हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगता है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो सरकार लुटेरा है तो जिसको वो लूटता है बद्दुआएं देता है, बद्दुआएं कार्यकर्ताओं को भी लगता है। तो आप बद्दुआ के लिए नहीं दुआ के लिए काम करना है। मुझे ये ध्यान में रखना है।